नमस्कार, मैं हूँ अमिता। अमिताज किचन रेसिपीज में आपका स्वागत है। आज मैं बहुत ही टेस्टी और डिलीशियस डेजर्ट बनाने जा रही हूँ, उसका नाम है शाही टुकड़ा। तो चलिए हम रेसिपी स्टार्ट करते हैं और देखते हैं इसे बनाने के लिए हमें किन किन इंग्रेडिएंट्स की आवश्यकता है। इसे बनाने के लिए हमें चाहिए 7 से 8 ब्रेड स्लाइस, जिसको मैंने बड़े ग्लास की सहायता से जो है इसका माउथ का कॉर्नर थोड़ा शार्प रहता है उससे की सहायता से मैंने इसे राउंड शेप में काट ली हूँ। यदि आप चाहते हैं तो इसको ब्रेड को ट्रायंगल शेप में भी काट सकते हैं, नहीं तो चौकोर टुकड़े में भी काट सकते हैं। ये आपकी इच्छा के ऊपर निर्भर है कि आप किस प्रकार का शेप्स जो है पसंद करते हैं। साथ ही इस ब्रेड को तलने के लिए हमें पर्याप्त मात्रा में घी चाहिए। घी की जगह आप तेल भी यूज कर सकते हैं या वनस्पति घी भी यूज कर सकते हैं। और इसमें हमें शीरा बनाने की आवश्यकता है, चाशनी बनाने की आवश्यकता है। तो चाशनी बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 250 ग्राम शक्कर ली हूँ और 150 ml पानी ली हूँ। साथ ही इस चाशनी को फ्लेवर्ड बनाने के लिए मैंने यहाँ पे 7 से 8 केसर के धागे को पानी में भिगोकर जो है अच्छी तरह से घोल बना लिया है इसका। और आधा छोटा चम्मच मैंने इलायची पाउडर यूज की हूँ। और साथ ही हमें 150 ग्राम रबड़ी जो है इसके ऊपर शाही टुकड़ा के ऊपर डालने के लिए, क्योंकि हम शाही टुकड़ा बना रहे हैं तो इसलिए शाही अंदाज होना चाहिए, तो इसीलिए यहाँ पे हम तो जो है रबड़ी का उपयोग करेंगे। साथ ही इसको गार्निश करने के लिए मैंने यहाँ पे बादाम और पिस्ता जो है उसे बारीक काट कर उपयोग किया है। आइए अब हम शाही टुकड़ा बनाना स्टार्ट करते हैं। इसको हम कुछ सिंपल स्टेप्स में बनाएंगे। सबसे पहले इस ब्रेड को हम घी में फ्राई करेंगे, डीप फ्राई करेंगे और इसे गोल्डन ब्राउन कर लेंगे। और उसके बाद जो है हम चाशनी तैयार करेंगे, फ्लेवर्ड चाशनी। और उस चाशनी में इस ब्राउन ब्रेड को जो है डिप करेंगे और उसके बाद फिर हम प्लेटिंग करेंगे और गार्निश करेंगे। तो सबसे पहले मैंने गैस ऑन करके यहाँ पे एक कढ़ाई के ऊपर रख ली हूँ इसको, और साथ ही इसमें घी डालकर मैंने इसे गर्म कर लिया है। अब ये हमारा घी गर्म हो चुका है। इसे अब हम ये राउंड शेप में मैंने जो कट करके रखी हूँ उसे हम डीप फ्राई कर लेंगे गोल्डन ब्राउन होने तक। तो इसमें जितने पीस आ सकते हैं 3 पीस इसमें आराम से आ जाएगा। तो इसको हम डालकर डीप फ्राई करेंगे और गैस का फ्लेम जो है अभी मैंने मीडियम में रखी हूँ। तो मीडियम में रखने से अच्छा सिकता है और थोड़ा जो है बहुत ही अच्छा करारा जो है हो जाता है। जैसे ये ब्राउन हो जाएगा उसके बाद हम इसे निकाल लेंगे। ये देखिए ये गोल्डन ब्राउन हो रहा है। बहुत अधिक हमको ब्राउन नहीं करना है, इस तरह से ये हम पलटते जाएंगे इस तरह से। और जैसे ही हमारा ये गोल्डन ब्राउन हो जाएगा हम इसे एक अलग से प्लेट में निकाल कर रख लेंगे। ये देखिए इतना अच्छा इसका कलर आ रहा है। इस तरह से हम सारे ब्रेड के पीसेस को जो है इस तरह से हम तल लेंगे। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और हमारी किचन में ये सारी चीजें जो है इजीली जो है अवेलेबल होती है, इसलिए जो है आप किसी भी पार्टी में भी जो है इस जो है डेजर्ट को जो है बनाकर जो है सर्व कर सकते हैं। तो ये देखिए गोल्डन ब्राउन हो चुका है। अब ये देखिए अब इसे मैं प्लेट में इस तरह से निकाल कर रखते जाऊंगी। इसी तरह से हम सारे जो है ब्रेड को तल कर जो है निकाल लेंगे इस तरह से। ये देखिए अब इसे भी और मैं डाल दूंगी। और एक जो है इसमें मेरी कढ़ाई में 3 जो है ब्रेड आ रहा है, इसलिए मैं इसे इसी तरह से डीप करके तलूंगी। आप घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, वनस्पति घी का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, तेल का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, आपकी जैसी इच्छा। तो इस तरह से हम ये पलट लेंगे। ये देखिए ये भी गोल्डन ब्राउन हो गया है। इसे बड़े बच्चे सभी जो है खाना पसंद करते हैं। देखिए ये भी हमारा जो है ब्राउन हो गया ब्रेड जो है। अब हम इसे निकाल लेंगे। इससे बहुत ही भीनी भीनी बहुत ही अच्छी खुशबू आ रही है। तो अब जो है इसे मैं बाहर निकाल लूंगी इस तरह से प्लेट में। इसे भी गोल्डन ब्राउन हो चुका है, इसे भी निकाल लूंगी।
इस तरह से बाकी बचे हुए ब्रेड को भी हम इसी तरह से तल लेंगे। अब मैं इस हटा दूंगी कढ़ाई को और इसके ऊपर जो है इधर दूसरे इसे बर्नर में रख देती हूँ। अब मैंने एक सॉस पैन ली हूँ, इस सॉस पैन में मैंने 150 ml पानी डाली हूँ, साथ ही अब इसमें मैं शुगर डालूंगी। शुगर डालेंगे और इसको हम अच्छी तरह से मेल्ट करेंगे और जैसे ही एक तार की चाशनी बनेगी, आप चाहे तो एक तार की चाशनी बना सकते हैं या दो तार की चाशनी बना सकते हैं, तो यहाँ पे मैं जो है दो तार की चाशनी बनाऊंगी। तो दो तार की चाशनी बनने को देखने के लिए हम इसको जब छुएंगे तो हमारे हाथ में थोड़ा सा इस टाइप से लेयर जो है इस टाइप से जो दो उंगली के बीच में बनता है, तो दो तार की चाशनी तैयार हो जाती है। ये देखिए बहुत ही जल्दी, इसमें गैस का फ्लेम मैंने यहाँ पे अभी हाई में रखी हूँ और चाशनी जैसे ही तैयार होगी मैं आपको दिखाऊंगी। ये देखिए हमारी चाशनी, दो तार की चाशनी बनकर तैयार है। इसको चेक करने के लिए देखेंगे, ये देखिए इसमें दो ऐसे करके चिपचिपा बन रहा है। अब मैं गैस जो है उसको बंद कर दूंगी। अब ये गैस बंद हो गया, अब हम इसकी जो है इसको हम चाशनी को डिप करेंगे। तो इसके लिए मैं यहाँ पे से एक जो है बड़ा सा डिप करने के लिए, यहाँ पे गर्म है ये काफी, इसलिए जो है मैं यहाँ पे एक स्टैंड लेकर आ गई हूँ। अब ये चाशनी में मैं डाल दूंगी केसर के धागे और साथ ही इसमें मैं इसमें डाल दूंगी इलायची पाउडर। इससे हमारा जो है फ्लेवर जो है बहुत ही अच्छा बनेगा और हमारी जो है ये रेसिपी जो है बहुत ही टेस्टी बनेगी। ये हमारा है, ये तैयार हो गया। ये देखिए बहुत ही अच्छी तरीके तरह से ये तैयार हो गया है चाशनी। अब इसको मैंने जो इसको जो फ्राई करके गोल्डन ब्राउन रखी हूँ उसको इसमें डिप करूंगी। सिर्फ एक से दो मिनट के लिए मैं इसको डिप करूंगी और फिर इसके बाद एक से दो मिनट तक डिप करूंगी। अब ये देखिए हमारी चाशनी बनकर तैयार है, साथ ही मैंने एक ब्रेड जो है इसमें डाल दी हूँ इस तरह से, और एक ब्रेड और मैं इसमें इस तरह से डाल देती हूँ और फिर हम इसकी प्लेटिंग कर लेंगे। इसको हम डिप करेंगे और डिप करने के बाद जो है ये देखिए इस तरह से हो जाएगा। इसे मैं इस तरह से निकाल के प्लेट में डालती जाऊंगी। ये बहुत ही अच्छा और सिंपल रेसिपी है, इजी रेसिपी है। आप जो है इसे घर में जो है अवश्य बनाकर ट्राई करिए और इसको जो है आप पार्टी में भी अच्छी तरह से बनाकर सर्व कर सकते हैं। ये बहुत ही डिलीशियस डेजर्ट है। तो इस तरह से हम इसमें सारी जो है ब्रेड जो हमने ब्राउन करके रखे हैं इसको जो है प्लेट में इस तरह से हम डालते जाएंगे और जमाते जाएंगे। ये अच्छी तरह से इसमें डिप होना चाहिए। इसमें ये शक्कर का जो हमने चाशनी बनाया है वो बहुत ही अच्छा फ्लेवर्ड है, इसलिए भाई इसमें बहुत ही टेस्ट आएगा। इसको इस तरह से ये देखिए हम करेंगे और ये लास्ट जो पीस है उसको भी हम इसमें अच्छी तरह से डिप करेंगे और इस तरह से हम इसको निकाल कर इस प्लेट में जमा लेंगे। ये देखिए हमारा ये हो गया। मैं हटा देती हूँ इसको और इसके में अब मैं रबड़ी डाल दूंगी। इस तरह से मैं इसमें रबड़ी सब डाल दूंगी और इस तरह से हल्का हल्का हम इसको स्प्रेड कर देंगे। ये बनने के बाद जो है बहुत ही इसको जो है खाने में बहुत ही अच्छा लगता है। आप इसे इसी तरह से नॉर्मल रूम टेम्परेचर में भी सर्व कर सकते हैं, लेकिन इसे चिल्ड करने के बाद जो है फ्रिज में रख लीजिए और उसके बाद सर्व करेंगे ठंडा ठंडा, तो बहुत ही अच्छा लगेगा। तो इस तरह से हम इसके अंदर ऊपर जो है ये जो हमने इसको डिप किए है शक्कर के चाशनी में और फिर इसके बाद हम इसके ऊपर ये हम शाही अंदाज से इसमें रबड़ी डाल रहे हैं और रबड़ी डालने के बाद जो है हम इसको बहुत अच्छी तरह से गार्निश कर देंगे। यदि आप चाहें तो अधिक मात्रा में भी रबड़ी उपयोग कर सकते हैं
और रबड़ी को पतली करने के बाद भी इसके चारों तरफ जो है आप जो है डाल सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पे इसी तरह से उपयोग कर रही हूँ। इस तरह से अब हम इसमें पिस्ता और बादाम जो है गार्निश कर देंगे। इस तरह से अभी इस कटोरी को मैं रख देती हूँ। ये बहुत ही डिलीशियस रेसिपी है और इजली जो है बन जाती है। ये देखिए अब ये हमारी जो है बहुत ही डिलीशियस शाही टुकड़े की रेसिपी बनकर तैयार है। ये डिश जो है तैयार है। आप जो है इसे सबों को जो है बनाकर अवश्य खिलाइए जो है और एंजॉय कीजिए। यदि आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो मेरे वीडियो के नीचे लाइक का बटन क्लिक करें और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। साथ ही मेरे नेक्स्ट वीडियो को अवश्य देखें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि जब भी न्यू वीडियो अपलोड हो आपके पास नोटिफिकेशन आता रहे। साथ ही यदि आपको कोई भी डाउट हो तो मुझसे लिखकर जो है पूछ सकते हैं, मैं आपको तुरंत जवाब दूंगी। साथ ही मेरे चैनल के नीचे दिए गए लिंक में जाइए, उसे क्लिक करिए और मेरे अमेजोन स्टोर से अपनी मनपसंद चीज़ें परचेस कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में फिर से मुलाकात होगी।